हरियाणा विधानसभा के मॉनसून सत्र में इस बार क्या खास रहेगा, इसको लेकर चंडीगढ़ से हमारे संवाददाता पवन सिवन ने हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष कंवर पाल गुर्जर से खास बातचीत की और इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, ये सुनाते हैं आपको। हरियाणा विधानसभा का मॉनसून सत्र 2 अगस्त से शुरू हो रहा है और इस बार विधानसभा के सदन के अंदर जो है वो काफी नजारा बदला हुआ नजर आएगा, क्योंकि मुख्य विपक्षी दल के तौर पर इंडियन नेशनल लोकदल जो 2014 में चुनकर आई थी, अब उनके ज़्यादातर विधायकों के इस्तीफे होने के बाद इंडियन नेशनल लोकदल जो है वो अपने नेता विपक्ष की कुर्सी गंवा चुकी है और विधानसभा के जो सदन के अंदर की तस्वीर है वो इस बार बदलेगी, क्योंकि जहां पर इंडियन नेशनल लोकदल विपक्ष के नाते बैठती थी वो अब विपक्ष के नाते वहाँ नहीं बैठेगी, बल्कि उनकी जगह पर अब विपक्षी दल के तौर पर कांग्रेस के विधायक जो हैं वो बैठे हुए नजर आएंगे। हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष कंवर पाल गुर्जर इस वक्त विधानसभा सदन के अंदर का जो है वो जायजा ले रहे हैं, क्योंकि आज जो सदन है उसको रिनोवेट किया गया है, उसमें कुछ काम हुआ है, इसी के चलते स्पीकर जो है वो इसको देखने के लिए यहाँ पहुँचे हैं और किस तरीके से किस तरह का सिटिंग अरेंजमेंट किया गया है तमाम बातों पर मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष कंवर पाल गुर्जर हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। सर, सत्र की शुरुआत 2 तारीख से हो रही है, 2 अगस्त से मॉनसून सत्र का पहला दिन जो है वो शुरू होगा, किस तरीके की तैयारी की गई है? हेरिटेज बिल्डिंग होने के चलते यहाँ पर काम भी चल रहा था, क्या अब पूरा काम हो गया है? देखिए लगभग अब ये काम सारा कंप्लीट होने ही वाला है और 2 तारीख से पहले ये सारा कंप्लीट हो जाएगा और बिल्कुल सुव्यवस्थित कर लिया जाएगा। जी स्पीकर साहब, जो सिटिंग अरेंजमेंट है वो भी बदला गया है, क्योंकि अब नेता विपक्ष के तौर पर या नेता विपक्ष के तौर पर अब कांग्रेस जो है वो यहाँ पर रहने वाली है, तो किस तरीके का सिटिंग अरेंजमेंट रहेगा यहाँ पर सर, कैसे? जी अभी एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है और जो मुख्य विपक्षी दल है, जहाँ जो पहले इंडियन नेशनल लोकदल होता था, अब मुख्य विपक्षी दल इंडियन नेशनल कांग्रेस है और इस वजह से अब सीटिंग अरेंजमेंट में चेंज आया है और वो सीटिंग अरेंजमेंट जो है अब की बार यहाँ पर जहाँ पर पहले इंडियन नेशनल लोकदल बैठता था तो अब की बार यहाँ पर कांग्रेस के जो विधायक हैं वो यहाँ पर बैठेंगे और जहाँ पर सामने कांग्रेस के लोग बैठते थे मेंबर बैठते थे तो अब वहाँ पर इंडियन नेशनल लोकदल के बैठेंगे। तो ये हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष कंवर पाल गुर्जर हमें जानकारी दे रहे थे कि अब जो है वो सिटिंग अरेंजमेंट बदला गया है। आप मेरे पीछे जहां पर स्पीकर साहब मौजूद हैं, ये जो जगह है यहां पर अब कांग्रेस विधायक दल की नेता किरण चौधरी जो है वो बैठेंगी, क्योंकि कांग्रेस विधायक दल की नेता हैं किरण चौधरी, हालांकि नेता विपक्ष के तौर पर पार्टी ने उनका प्रस्ताव अभी तक नहीं भेजा है, लेकिन उनकी पार्टी की विधायक दल की वो नेता हैं, इस नाते वो यहाँ पर बैठेंगी। इसके साथ ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो वरिष्ठ सदस्य हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, और रघुवीर सिंह काद्यान जो वरिष्ठ सदस्य हैं वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे और अब जो इंडियन नेशनल लोकदल है उनकी जगह जो है वो ये सामने की रहने वाली है जहाँ पर कांग्रेस जो है वो मौजूद रहती थी और इसके साथ ही यहाँ पर सरकार के जो तमाम वरिष्ठ सदस्य हैं वो बैठेंगे और उसके अलावा जो है वो तमाम जो बीजेपी के बाकी विधायक हैं वो सत्ता पक्ष के खेमे की तरफ जो है वो यहाँ पर नजर आएंगे। विधानसभा का ये स्वरूप है, ये बदला हुआ नजर आएगा। हरियाणा विधानसभा का ये जो है वो मॉनसून सत्र 2 तारीख से शुरू हो रहा है और हरियाणा की मौजूदा सरकार का ये आखिरी सत्र इस कार्यकाल का रहने वाला है। देखना यही होगा कि सत्ता पक्ष और विपक्ष मिलकर यहाँ पर कितनी किस तरह की सार्थक और गंभीर चर्चा करते हैं। हालांकि अभी तक जो प्रस्तावों की बात करें तो 10 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव जो हैं वो यहाँ पर भेजे गए हैं और साथ ही जो है वो 70 के करीब सवाल जो है वो अभी तक मिले हैं, लेकिन 2 तारीख से जब सत्र की शुरुआत होगी तो देखने वाली बात रहेगी कि किन मुद्दों पर किस तरीके से सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने होंगे। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंवर, जनता टीवी, हरियाणा विधानसभा, चंडीगढ़। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए दबाना न भूलें बेल आइकन और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल।